हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स क्या होता है, उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा आपको। तो क्लास सिक्स में 4.1 चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ हम जान लेते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, उसका नंबर लाइन को उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर्स हैव पॉजिटिव साइन प्लस आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर्स। जैसे +2, +3, +5, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, यदि उनके सामने प्लस का सिंबल लगा हो तो क्या होते हैं आपके? पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर्स हैव नेगेटिव सिंबल्स आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स। जैसे -3, -4, -6 सभी क्या हैं? नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, यदि उनके सामने माइनस का सिंबल लग जाए तो वे सभी क्या होते हैं आपके? नेगेटिव नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद इंटीजर्स क्या होता है? ऑल नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स इफ वी कलेक्ट ऑल इज कॉल्ड इंटीजर्स। यदि सभी को हम पॉजिटिव नंबर्स को और नेगेटिव नंबर्स को दोनों को मिला दिए तो वो आपका एक इंटीजर्स बन जाता है। जैसे देखिए, जैसे 0 से लेकर स्टार्ट किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, 7, 8, 9, 10 जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये सभी क्या होते हैं आपके? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं आपके। और 0 के पहले आपका आता है -1, -2, -3, -4, ये सभी क्या आपके? नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर क्या बना गया हमारा? इंटीजर्स, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे भी दिखाते हैं, ठीक है। ये रहे कुछ आपके इम्पोर्टेंट रूल जो हमने आपको बता दिया। चलिए अब चलते हैं आप एक्सरसाइज की तरफ, 4.1। चलिए एक्सरसाइज 4.1 की तरफ पढ़ते हैं। राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का हमको क्या लिखना है? अपोजिट वर्ड। इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज का अपोजिट क्या होता है हमारा? डिक्रीज, DECREASE, डिक्रीज इन वेट, WEIGHT, डिक्रीज इन वेट। उसके बाद भी प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज, प्रॉफिट का अपोजिट क्या होता है हमारा? लॉस। दूसरा हम लिखेंगे LOSS, लॉस ऑफ 100 रुपीज। इसी प्रकार से आपका CDEFG और EFGH, ये सभी के हैं आपके होमवर्क। फ्यूचर नंबर दूसरे में देखिए आप सब, फ्यूचर नंबर दूसरा। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर्स एज पॉजिटिव और निगेटिव। हमको रिप्रेजेंट करना है ये इंटीजर्स पॉजिटिव हैं या फिर निगेटिव हैं। तो पहला हमारा है, देखिए, अ राइज इन टेम्परेचर बाय 8°C। राइज मीन्स होता है बढ़ना, मतलब 8°C से टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पे? बढ़ रहा है। तो यहाँ पे +8°C, तो +8°C हमारा कौन सा इंटीजर्स हुआ? पॉजिटिव, POSITIV, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज इन वेट बाय 10 kg, तो 10 kg से क्या हमारा वेट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर ये +10 kg, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हुआ? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। राइज इन टेम्परेचर बाय 8°C, इसका मतलब कि 8°C का जो तापमान है वो क्या हो रहा है आपका? राइज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो +8°C,
ठीक है, तो +8 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, तो इसी प्रकार से जैसे दूसरा इंक्रीज इन वेट बाई 10 डिग्री सेल्सियस, तो इंक्रीज हो रहा है मतलब +10, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा आपका पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद तीसरा लॉस ऑफ 500 रुपीज, मतलब जो 500 रुपीज है वो आपका क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये क्या होगा आपका निगेटिव इंटीजर्स। इस प्रकार से क्वेश्चन डी ई एफ जी एच आई जी के जो भी है आपका कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा राइट द अपोजिट ऑफ, अपोजिट लिखना है -50 का अपोजिट हो जाएगा आपका +50, 65 का अपोजिट हो जाएगा आपका -65। तो सिंबल प्लस का माइनस का प्लस कर देंगे और प्लस का माइनस कर देंगे, ये आपका अपोजिट करना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में करना है इसको बढ़ते हुए क्रम में। इसे क्वेश्चन लिख लेते हैं, पहले क्या है हमारा क्वेश्चन, 6 -4 0 -3 और 2 -5। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या देखेंगे, छोटी संख्या सबसे पहले इसमें 0 है, लेकिन यदि माइनस में रहेगी तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है माइनस में वही सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है, क्या कहा हमने कि सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या है उसको लिखेंगे, तो सबसे छोटी संख्या वह संख्या होगी जो माइनस में होगी सबसे बड़ी संख्या, जो संख्या माइनस में होगी सबसे बड़ी संख्या वही क्या होगी आपकी छोटी होगी। तो क्या लिखेंगे आपका, पहले -5, उसके बाद -4, उसके बाद -3, उसके बाद 0, उसके बाद 2, उसके बाद 6। ये क्या हुआ आपका बढ़ते हुए क्रम, मतलब धीरे धीरे से सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे हम, ये हुआ आपका बढ़ते हुए क्रम। ठीक है, उसके बाद जैसे हम दूसरा देखेंगे, जैसे देखिए 7 -8 8 3 -5 10 -2 -9। तो माइनस में देखेंगे माइनस सबसे बड़ी संख्या कौन है 8, तो सबसे छोटी संख्या 8 होगी। ठीक है, उसके बाद कौन सी होगी -5, उसके बाद -2, उसके बाद प्लस में आ जाएंगे हम 3, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। ये आपका हमारा बढ़ते हुए क्रम असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। उसके बाद इसी प्रकार से हम डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे घटते हुए क्रम का मतलब कि सबसे पहले बड़ी संख्या 45, -45 जीरो 23 और -23 में आपकी सबसे बड़ी संख्या जो है 45 है, उसके बाद उससे छोटी संख्या 23, उसके बाद 0, उसके बाद -23 और -45, क्योंकि ये माइनस में है तो सबसे छोटी संख्या होगी। जो नंबर्स इतना छोटा है, जो जितना माइनस में होता है वो इतना ही छोटा होता है। ठीक है, जिससे आपका कोई मान लीजिए -100 है और कोई 1 है, ठीक है, तो आपका 100 जो है ये बड़ा नहीं होगा क्योंकि माइनस में है। ठीक है, 1 आपका बड़ा होगा क्योंकि ये प्लस में है। ठीक है, उसके बाद राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन। इसके लिए सबसे पहले हम नंबर लाइन लिखेंगे, यूजिंग नंबर लाइन आप ऐसे ही खींच देंगे, ड्रॉ कर देंगे नंबर लाइन को, यहाँ पे +1 +2 +3, उसके बाद यहाँ पर -1 -2 -3 -4
माइनस फाइव, ठीक है। अगर क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, माइनस फाइव का हमको सक्सेसिव लिखना है। तो माइनस फाइव सक्सेसिव मतलब क्या, प्लस वन जोड़ने पर, ठीक है। तो माइनस फाइव के बाद क्या आता है, फोर। तो आपका माइनस फोर क्या हो जाएगा, आपका सक्सेसिव या सी यू डबल सी, ठीक है। ये हो गया आपका सक्सेसिव। इसी प्रकार से फोर का एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, इधर प्लस लिखेंगे वन टू थ्री फोर, और इधर लिखेंगे आप फोर फाइव, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। तो फोर का फिगर क्या होगा आपका, फाइव, फाइव लिख देंगे आपको, ठीक। इसी प्रकार से राइट द प्रोड्यूसर ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स यूजिंग नंबर नंबर लाइन। इसी प्रकार से आप ये भी करेंगे, जैसे देख लीजिए माइनस टू का किस प्रकार करेंगे आप, देखिए माइनस टू का एक नंबर लाइन लीजिएगा, जीरो वन टू थ्री, ठीक है। इधर वन टू थ्री माइनस लगा देंगे, माइनस टू का जो प्रोड्यूसर होता है आपका क्या होता है, जो पहले वाला होता है ये प्रोड्यूसर है, माइनस थ्री आपका आंसर, ठीक। ये हो गया आपका प्रोड्यूसर, ठीक है। उसी प्रकार से राइट द प्रोड्यूसर कितने नंबर लेट हो गया, क्वेश्चन नंबर नाइन। कंपेयर द गिवन इंटीजर्स विद ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। ग्रेटर देन और लेस देन आपको बताना है, तो ग्रेटर देन और लेस देन कैसे जानेंगे हम, ठीक है। माइनस टेन और माइनस फिफ्टीन, माइनस टेन और माइनस फिफ्टीन, हमने आपको क्या बताया था कि जो नंबर्स माइनस में जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, तो ये आपका सबसे छोटा हुआ, ठीक है। तो आप ऐसे कर देंगे, जो बड़ा रहेगा उसके तरफ मुंह अपन उसका खुला कर देंगे, उस जो छोटा रहेगा उसके तरफ ऐसे एरो का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। तो इसी प्रकार से सब आपको फील होगा कि जो नंबर नाइन का ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन का इसी प्रकार से आप सब कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन टेन देखिए, क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। माइनस थर्टी वन और ये दो आपको लाइन खींचा गया, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि माइनस चाहे प्लस जो भी हो, इसको बाहर लिखेंगे तो आपका केवल प्लस में ही आता है। जैसे मैं 31 यदि प्लस में होता तब पर भी जो बाहर आता प्लस में, माइनस में है तब पर भी बाहर आएगा तो प्लस में ही होगा आपका। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं माइनस टू, इसको बाहर में लिखेंगे तो टू लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से एब्सोल्यूट वैल्यू का होता है। जैसे दूसरा देखिए, फाइव प्लस माइनस सेवन, ठीक है। सेवन को बाहर लाएंगे तो क्या होगा, फाइव प्लस ये सेवन प्लस हो जाएगा आपका, तो फाइव प्लस सेवन कितना, ट्वेल्व, ये आपका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से हो गया आपका क्वेश्चन नंबर टेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिए, फोन राइट वेयर विल रीच ऑन द नंबर लाइन इफ वी मूव, हम कहाँ पहुंचेंगे यदि हम मूव होंगे। पहला हमारा है फोर नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ वन, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे जीरो वन थ्री, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव, माइनस 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 माइनस। उसके बाद वन से हम काउंट करेंगे और लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट मतलब हमारा इधर है लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट हमारा इधर है। तो वन से काउंट करेंगे वन, ठीक है, वन टू थ्री फोर, कहाँ पहुँचेंगे हम, थ्री पे। तो ये हमारा क्या होगा, माइनस थ्री पे पहुँचेंगे,
ये आपका हमारा आंसर -3। इसी प्रकार से बी सी डी ई सब हो जाएगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच इज ग्रेटर -891 और -721, -891 या -721 कौन सा बड़ा होगा? देखिए हमने आपको बताया था जो नंबर जितना बड़ा होता है माइनस में वह उतना ही छोटा होता है, मतलब ये बहुत बड़ा है इससे बड़ा है लेकिन ये माइनस में तो इसका उल्टा हो जाता है तो ये आपका छोटा हो जाएगा। तो ये हमारा ये क्या होगा -721 ये आपका ग्रेटर होगा, ठीक है ये ग्रेटर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, राइट ऑल द ग्रेटेस्ट बिटवीन -6 and 12, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 6 and 2, -6 and 2 के बीच में आपको इंटीजर्स कितने हैं, तो इसके लिए आप एक नंबर लाइन की ड्रॉ करेंगे। उसके बाद 1, 2, 3, 2 है, उसके बाद -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है अब काउंट कीजिए -6 और 2 के बीच में, ठीक है तो ये आपका होगा -5 होगा, -4 होगा, -3 होगा, -2 होगा, 0 होगा और 1 होगा, ठीक है यही आपके इंटीजर्स होंगे, इतना आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सब कर लेंगे -8 and 0, 9 and 2 और 10 and 11, ठीक है इसी प्रकार से आप कर लेंगे। उसके बाद आपको नोट्स भी व्हाट्सएप सेंड कर देंगे, आप सब देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्त, थैंक यू फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट 4.2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप देख सकें, उसको आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है थैंक यू।